तो सिर्फ एक ही दिन लिया था, सारी वाटर एक्टिविटीज कर ली, पर वो जाके महाराष्ट्र में की मैंने। मैंने पैकेज बुक कर लिया था, वो सस्ता भी पड़ा और सारी एक्टिविटीज भी हो गई। हेलो गाइस, नए व्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज है गोवा का डे 6 और कल मेरा आखिरी दिन है गोवा में, कल की मेरी फ़्लाइट भी है। तो आज मुझे सिर्फ साउथ गोवा में कुछ बीचेस कवर करने हैं। अभी फ़िलहाल मैं वहीं जा रहा हूँ, साउथ गोवा में गया हूँ बट अभी बीचेस कवर नहीं किए वहाँ के। और हाँ गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो भी स्कूटी का रेंटल का था वो तो मैंने डे 2 में बता दिया था, बट यहाँ के जो कुछ रूल्स है वो नहीं बताए थे। उसमें एक रूल और ऐड है कि ब्रिजेस पे आपको 30 से ऊपर स्पीड नहीं चलानी, नहीं वरना उसका भी चलान कटेगा। मैंने कटते हुए देखा है लोगों का चलान, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो वो नॉर्मल है, आपको मास्क लगाना, हेलमेट पहनना, और पीछे का जो सेकेंड पर्सन है उसका हेलमेट अलाउड नहीं है, तो वो देखना ज़रूर। बाकी तो आपको रेंटल आसानी से मिल जाएगी अगर आपके यहाँ लाइसेंस है तो, और एक आइडेंटिटी कार्ड आपको जमा कराना पड़ेगा, ये आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये इट्स अप टू यू, तो देख लेना वहाँ पे ये सारी चीज़ें। गाइज फाइनली हम मोरजिम बीच आ चुके हैं। बड़ी मुश्किल से ये रास्ता मिला, बहुत अंदर जाके बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई मेरी आने में। अभी तो यहाँ से जाना भी है क्योंकि बहुत पतले रास्ते हैं अंदर का पूरा ये, और 50 रुपीज़ इन्होंने पार्किंग चार्ज लिए है। और यहाँ से अगर आप आगे को जाओगे तो एक आशियान बीच है और उसके आगे एरम्बल पड़ेगा, और यहाँ से पूरा मोरजिम बीच है यहाँ तक, समझे 2 से 3 किलोमीटर के अंदर है ये वाला बीच। पानी तो फिर भी साफ़ है बट ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना आपको एरम्बल लगेगा। तो पानी तो देखो आपको भी दिख रहा होगा साफ़ है बिल्कुल, यहाँ तो गंदी होता ही होता है क्योंकि यहाँ से वो मिट्टी खींचता है, पर आगे को देखो साफ़ है बिल्कुल पानी। तो बस यही है, आ गए अब थोड़ी देर रुकेंगे, यहाँ पर भी आप खाना वगैरह खा सकते हो अगर आपको खाना है तो, पर आपको देखा देख रहे होगे इतना कुछ खास नहीं है ये। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इतनी वाटर एक्टिविटीज़ भी नहीं है मोरजिम बीच पे, और एरम्बल बीच पे वाटर एक्टिविटीज़ आप वहाँ पे कर सकते हो। आपको पता है जैसे कि मैंने तो सिर्फ एक ही दिन लिया था, सारी वाटर एक्टिविटीज़ कर ली, पर वो जाके महाराष्ट्र में की मैंने। मैंने पैकेज बुक कर लिया था, वो सस्ता भी पड़ा और सारी एक्टिविटीज़ भी हो गई। मैंने उसमें से कोई भी नहीं की थी उससे पहले एक्टिविटी, फ़र्स्ट टाइम था सारा मेरा, स्कूबा डाइविंग वगैरह हो गया, सारा फर्स्ट टाइम था मेरा, और एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था मेरा फर्स्ट टाइम के हिसाब से। देखते हैं, अभी मज़ा तो आ रहा है, पानी अच्छा है ना इसलिए मज़ा आ रहा है। अभी कहर में तो बैठने का है नहीं यहाँ पे क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। क्योंकि क्या हो रहा है कि गूगल लोकेशन पे जैसे ही मैंने डालता हूँ ना, तो जैसे पहुँचने वाला था फिर 1.5 किलोमीटर बढ़ जाता है, ऐसे बार बार हो रहा था।
फिर मैंने लोगों से पूछा, क्योंकि इतने पतले रास्ते ना आपको लगता ही नहीं है कि यहाँ पे भी एक रास्ता होगा इतना अंदर जाके, बट है, क्या करें। एक तरह से देखो तो खाली पड़ा है, ज़्यादा क्राउड भी नहीं है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा अंदर को भी है। मेरे हिसाब से अगर आप जाओ तो एरोम्बल जाओ, वो मेन है यहाँ पे। बस मोर जिम तो बहुत ज़्यादा अंदर को हो गया। सो गाइज, ये था मोरजिम बीच। मैं नॉर्थ गोवा इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि ना वहाँ पे क्या है, क्राउड है, आपको मज़ा आएगा। अब ये बताओ, अब बीच पे क्राउड नहीं रहेगा तो फिर मज़ा कैसे आएगा, यही बात है। इसलिए ना वो कैलुंगड़ और बागा बीच दोनों बेस्ट लगते हैं मुझे इस मामले में, और वहाँ से सनसेट भी अच्छा दिखता है, मज़ेदार है। तो मेरा सजेशन वही है, पर ये भी है कि आप घूमना चाहो घूम सकते हो, यहाँ थोड़ी शांति है। बट बस मुझे एक दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा अंदर है, बहुत ज़्यादा। या तो ये है कि मैं पंजिम में रहता हूँ, पंजिम में होटल लिया है, वहाँ से मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली है वो साउथ गोवा भी आते हैं, और एयरपोर्ट भी आपको ही पता है साउथ गोवा में है, तो शायद हो सकता है उनके लिए आसानी हो। क्योंकि मेरा तो ये फ़र्स्ट टाइम है जो मैं साउथ गोवा में आया हूँ, मतलब वैसे आ चुका हूँ साउथ गोवा के बीच पे, फर्स्ट टाइम है। बट उस हिसाब से बढ़िया है, एरोम्बल बीच मुझे बहुत बढ़िया लगा। एरोम्बल बीच एक बार आपको देखना ज़रूर चाहिए वहाँ पे जाके। सो गाइस, अब चलते हैं मोरजिम बीच से अब वापस अपने होटल की तरफ, क्योंकि यहाँ से भी आपको पता है मेरा 40 किलोमीटर है करीब होटल, तो वहीं पे देखेंगे आपको जो भी देखना है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जब भी स्कूटी है अपना पेट्रोल देख के चले, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे पेट्रोल पंप आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, तो हर जगह पेट्रोल पंप नहीं मिलेंगे तो वो क्या करते हैं कि जो लोकल लोग हैं उनसे आपको परचेज़ करना पड़ेगा, और वो उनसे परचेज़ करोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, और वो भी हर जगह नहीं मिलेंगे, तो उसको देखते हुए चले आप अपना पेट्रोल। यही मेरा आखिरी सजेशन था, क्योंकि क्या है कि अगर आपको धक्का लगाना पड़ जाएगा स्कूटी में, क्योंकि पेट्रोल पंप बहुत दूर दूर है,
तो इसलिए उसका देख ले। और इसमें यहाँ पे ये भी है ना, अगर आपने एक टर्न ले लिया तो आपको पूरा घूम के आना पड़ेगा, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं। चलो चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइज, आज डे 6 है गोवा का और मैं आज फाइनली एंड करता हूँ, क्योंकि आज लास्ट डे था। वैसे कल एयरपोर्ट 6:30 बजे जाना है शाम के, बट कोई नहीं, अगर होगा तो मैं बना दूंगा। कुछ भी मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप बना दूंगा। और मेनली मैंने बेस्ट ये था कि पंजिम में रुको, सबसे बेस्ट है। अगर आपको साउथ गोवा भी घूमना है तो लास्ट के 2 दिन साउथ के लिए रख लो। वैसे मोस्टली लोग बीचेस घूमने आते हैं, वो भी सबसे फेमस तो बागा बीच है, नो डाउट। और हाँ, मैं साउथ गोवा की जो सड़कें वगैरह थी बहुत बढ़िया था, नेचर ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। आप जाना साउथ गोवा, बढ़िया है घूमना। और आज ज़्यादा वैसे कुछ किया नहीं था, सिंपल आज मैं 2 बीच पे गया था, मोरजिम बीच और एरम्बोल। एरम्बोल तो बहुत बढ़िया बीच है। अभी शाम के टाइम तो और ज़्यादा हो गया होगा, मुझे वापस पंजिम आना पड़ा, तो इस कोई नहीं, बट मैंने आपको सारा उसमें घुमा दिया है, आप देख सकते हो सारी चीज़ें। और अगर आपको क्रूज़ वगैरह जाना है तो यहाँ पे बेस्ट है। एक अगर मुझे जो बढ़िया लगता वो मैं फेरी करना चाहता था, और एक अगोड़ा फोर्ट। अगोड़ा फोर्ट लास्ट टाइम आया था, वो बंद था कोरोना के टाइम पे, बट इस टाइम तो खुला हुआ है, इस टाइम तो पूरा गोवा खुला है, मज़ा आने वाला है गोवा में। तो एंड करते हैं, और लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सिंपल रहो, अच्छे से रहो और कोरोना से लड़ते रहो। ओके, बाय।